अल्लाह 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 अल्लाह। एक इंजीनियर मिर्जा है, वो हन की किताबों को गालियां देता है, अल्लाह हिदायत दे। अब उसका क्या इलाज, यही है कि दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हिदायत दे। मेरी खाला ने औलाद न होने की वजह से अपने भांजियों को पाला, बाद में जब वो बड़े होने के बाद भांजियों ने अपनी खाला की जायदाद पर भी कब्जा कर लिया, माशाल्लाह हक अदा किया है ना, और उन्होंने जो खिदमत की पाला, सांप को जितना पालो उतना डंग मारना होता है। अब कहते हैं जी कि मेरे पास खाला के 3 लाख रुपए हैं, तो खाला को दो, इन जालिमों को ना, तो जो पहली जायदाद पर कब्जा कर चुके हैं। हमारी दुकान में चूहे बहुत नुकसान करते हैं, तो इसका कोई दवाई ले लो, इसका क्या वजीफा होता है? इसके लिए दवाई मिलती हैं, यहाँ मंडी में चले जाएं, उनको कहें कि चूहे मार के दवाई दें, वो दवाई देंगे, तो वो दवाई इतनी सख्त है कि उसको किसी टमाटर के टुकड़े करके लगा के फेंक दें, 2-4 तो मर जाएंगे, बाकी भाग जाएंगे, फिर वहाँ आएंगे भी कभी। ये बड़ी समझदार शैतान है। बहरहाल बुजुर्गों ने एक वजीफा भी लिखा है कि इन्ना हम यकीनू न कैदन वकीद कैदा, अगर रोजाना 3 दफ़ा पढ़ के दम कर दो कि अल्लाह हर मूजी बला से बचा, अल्लाह बचा देते। कुरान पढ़ते वक्त बच्चे बार बार सवाल पूछते हैं, रुक के जवाब दे दो फिर शुरू कर दो। किराया के घर में रहती हूँ, मुश्किलात हैं, अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़ के और 1000 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहें, अल्लाह अपना घर भी दे देंगे। इमाम हनीफा और इमाम बुखारी, इमाम बुखारी तो बहुत बाद के आदमी हैं, इमाम हनीफा तो ताबी हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं, तुम्हारे दिमागों में फ़र्क है। जब इज्तिहाद होगा तो मुज्तहिद की राय में फ़र्क तो होगा, ये क्या है, ये तो अब 2 वकील बहस कर रहे होते हैं, दोनों वकील हालांकि पॉइंट एक होता है लेकिन अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं। मेरा भाई 2 साल से लापता है, उसके लिए सूरत वज़ुहा रोज़ाना पढ़ो 1 तस्बीह, हजामा कराना सुन्नत है, हजामा कराने से दूसरे मसले तो पैदा नहीं, दूसरे मसले क्या पैदा होंगे यार, एक जगह पंछा लगा खून के कुछ भी, बहरहाल सुन्नत है और इलाज है। जिसके करने से गुस्सा कम हो जाए, वल काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल आफ़ीन अन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये आयत पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो जाएगा। सलातुल हाजा का पहला तरीका क्या है, वही है 4 रकात नियत करके पढ़ो। मुझे 2 दफ़ा दिल का दौरा पड़ा है, अल्लाह शिफाए कामला अता फरमाए। वैसे बुजुर्ग कहते हैं के या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बेहक या का नाबुद वही या का नस्तीन, पढ़ते रहें तो फिर दौरा नहीं पड़ेगा। वैसे इलाज भी कराओ, सिर्फ वजीफों पे न रहो। शिहाब इसाक होता है ये जो आप देखते हैं तारा टूटता है, ये शिहाब इसाक है।